ऑनलाइन अर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद चौधरी और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ब्रोकर्स के ऊपर। इंटरनेशनल ब्रोकर्स, जो भी लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता होगा इंटरनेशनल ब्रोकर्स के ऊपर पाकिस्तान में बैन लग चुका है, पाबंदी लग चुकी है, उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते, कानूनी तौर पर नहीं कर सकते। लेकिन लोग अगर कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता, और जो लोग बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते थे, डिपॉजिट विड्रॉल, उनको अब क्या करना चाहिए, और जो इसमें काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या रिस्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिस आपका जो है वो चल रहा होगा, उर्दू में है, आप इसको रीड कर सकते हैं। क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है फॉरेक्स की, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं रन हो सकती है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके ऊपर परेशान हैं, वो मतलब कि काम करते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसमें इंटरनेशनल ब्रोकर्स में ऑक्टाफेक्स है, एक्सएम है, एफएक्स है, उसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल्स पाकिस्तान ब्रोकर के अलावा जितनी भी इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं वो वहाँ पर काम, उसके ऊपर जाकर अकाउंट बनाना, काम करना, आप यही समझें कि पाकिस्तान के कानून में गैर कानूनी है। एक्ट 1947 के थ्रू इन्होंने सारा किया, ये आप नोटिस में रीड कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर्स के हवाले से। स्टेट बैंक ने बिल्कुल पाबंदी लगा दी है और इनके ऊपर काम करना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। तो रिस्क, अगर आप मतलब आप ये समझें कि अगर आप इसमें मुलव्वस होते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ एक, मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगा कि आप इसमें काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले एक चीज़ बता दूं, ये नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी इस काम में मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग। उनका बकौल ये है कि यहाँ से पैसा जाता है इन एक्सचेंजेस के थ्रू बाहर और वहाँ पर जाता है जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, और वो अली जो एक्सचेंजेस हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी नहीं है, ठीक है, इनका जो है स्टेट बैंक का कहना। तो इस वजह से जो है इसको, इनको गैर कानूनी करार दिया है। और सेकंड आपको एक और चीज़ बता दूं, ये बिल्कुल पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक इलीगल है अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको फर्स्ट बता दिया कि आप अगर इसके ऊपर काम करते हैं तो ये बिल्कुल इलीगल है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर अपने जहन में रखनी है, इलीगल है। और सेकंड एक और आपको लॉस हो सकता है, वो ये है कि जब, जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्टाफेक्स ने अपनी जो वेबसाइट है वो भी चेंज कर दिया, पहले थी octafx.com, अब है octapk.net, आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, ये भी चेंज कर दिया ऑक्टाफेक्स ने। तो ऐसे इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से, तो आप वेबसाइट जब ओपन ही नहीं कर पाएंगे तो आपके जो कैपिटल होगा, जो बैलेंस होगा उस एक्सचेंज के अंदर, उस ब्रोकर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं पहले, ठीक है, जो आप होता है, जो आप अगर करना चाहें इन चीज़ों को भी फेस करते हुए तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं, ठीक है, आपने फैसला किया यार पाकिस्तानी ब्रोकर में टैक्स जो है वो बहुत कटता है, जब तक हमें इंटरनेशनल ब्रोकर में प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो है पाकिस्तानी मतलब के पहले बहुत टैक्स लगता है, जिसकी वजह से हमें मतलब हमारे लिए वो सही नहीं है, पर जो भी आपकी मर्जी है। लेकिन अब मैंने आपको सारी चीज़ें रख दी हैं, अच्छी बात है अगर आप पाकिस्तानी जो है ब्रोकर के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इश्यूज आते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल ब्रोकर्स में अभी जो लोगों को इश्यू आ रहा है वो है विड्रॉल का और डिपॉजिट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि बैंक के थ्रू आप मत करें, अभी से मत करें, और वहाँ पर
अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने काम इनके ऊपर कैसे करना है, अगर करना है तो। मैं खुद भी ये जो है जो प्रॉब्लम है ये फेस कर रहा हूँ, तकरीबन सॉल्व हो चुकी है। मेरी भी बैंक के ज़रिए ओक्टा में वो होती थी ट्रांजैक्शंस, विड्रॉल और डिपॉजिट, लेकिन उनको मैंने कहा है और उसके बाद उन्होंने कर दिया है, मतलब के परफेक्ट मनी में, ठीक है। उनको मैंने बताया कि ये आपको सब लोगों को पता ही है, फिर उन्होंने एक दो दिन लगाए, फिर मैसेज किए, फिर उनके नुमाइंदे ने सारा कुछ आगे मेरा फॉरवर्ड किया, उसके बाद चेंज हो गया, ठीक है। किसी को भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझसे रब्ता व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, मैं आपका करवा दूंगा, लेकिन आपने मुझे अकाउंट नंबर सेंड करना है जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है, तो इंशाल्लाह आपका ये हो जाएगा। वैसे अगर आप खुद भी करेंगे तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, उन वहाँ पर जाकर बात करें। तो आपने क्या करना है, जो भी बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको बंद कर दें, ठीक है। विड्रॉल लेना और डिपॉजिट लेना, एक तो इजीली आपके बारे में पता चल जाएगा कि आप इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको मैंने क्लियर बता दिया है। तो अब आपने काम कैसे करना है, आपने आना है परफेक्ट मनी, BTC, Ethereum या जितनी भी ऑप्शन है ओक्टा FX के ऊपर या इंटरनेशनल ब्रोकर्स के ऊपर, अदर इसके बैंक के अलावा जितनी भी ऑप्शंस हैं वहां पर आप आकर अपना अकाउंट, मतलब उसके ऊपर ई वॉलेट के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, वहां से आप डिपॉजिट करें और वहां से आप विड्रॉल लें। तो ये है इसका एक तरीकाकार। बाकी इसके मैंने आपको रिस्क जो है वो मैंने शुरू में बता दिया है कि इसमें रिस्क है, वेबसाइट भी बंद हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान में इलीगल है, इसलिए तो जो है ये इंटरनेशनल ब्रोकर्स ये अपनी वेबसाइट को पाकिस्तान के लिए सिर्फ चेंज कर रहे हैं, .net आगे .net.com को चेंज करके .net लगा रहे हैं आगे। तो .com जो होती है वो इजीली उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन .net से इनका कुछ होता है कि वो दूसरी अगर ऐप वगैरह भी डाउनलोड करो तो उसके थ्रू भी ये ओपन हो जाती हैं, तो इस वजह से ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी और मैंने आपको क्या बताना था, स्टेट बैंक का आपको नोटिस भी दिखा दिया, वो भी सारा है, उसके अलावा बस यही है, काम करने का तरीका भी बता दिया कि अगर आप यहाँ पर फिर भी काम करना चाहते हैं तो बैंक के अलावा वहाँ पर ओक्टा के ऊपर परफेक्ट मनी का है, BTC का है, एथेरियम का है, बहुत ज़्यादा और हैं, ठीक है, कुछ पेपॉल वगैरह जो पाकिस्तान में अभी नहीं है, तो वो जो पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, जो जिसका आप अकाउंट बना सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के थ्रू आपने डिपॉजिट करना है और विड्रॉल करना है, उसमें कोई किसी भी किस्म का लोगों को इशू नहीं आ रहा है। तो बैंक के थ्रू जो डिपॉजिट करते हैं, जो विड्रॉल लेते हैं, उनको आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब यही है, अब नेक्स्ट जो भी इसकी अपडेट होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।